गाइस, आज फिटनेस फाइटर के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो गाइस, आज आप लोगों को बाइसेप्स के मिस्टेक्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा है कि आप जिम में जाते हो और आपको कभी कभी इंजरीज हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपके रॉन्ग टेक्निक की वजह से। तो उससे राइट करते हैं। आज हम बाइसेप्स के बारे में आपको बताएंगे कि आप बाइसेप्स में क्या मिस्टेक करते हैं और आपको कैसे करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। दोस्तों, ये गलत है, ये तो आपको ही मालूम है। अभी सही क्या है, देखिए, इतना तो पहली बात बॉडी को स्विंग नहीं करना है और इतना हिलना भी नहीं चाहिए। आपको स्टैटिक मूवमेंट करना है। मैं आपको स्टैटिक मूवमेंट बताता हूँ। इसके जो है पीछे मैं हाथ रख दूंगा और बोलूँगा अभी कर, बिना मूवमेंट किए। यस, 1 2 3 4, यस 6। आवाज तो दोस्तों, बॉडी को मूवमेंट नहीं करना है। नंबर वन, स्विंग्स कम करने हैं, ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास आर्म ब्लास्टर है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ आगे रख के ये मूवमेंट आप कर सकते हो। वेरी सिंपल। देखिए, जैसा मोंटू जो मूवमेंट कर रहा था ना, जैसा स्विंग्स कर रहा था, आपको शोल्डर इंजरी भी हो सकती है, आपको बैक इंजरी भी हो सकती है। 100% जो आपको बाइसेप पे जो इफेक्ट चाहिए वो नहीं आएगा। चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, कंट्रोल ऑन योर नेगेटिव्स। दोस्तों, जब आप वर्कआउट करते हो तो दो मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक एंड इंसेंट्रिक। ये जो ऊपर जा रहा है ये कॉन्सेंट्रिक है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और नीचे आ रहा है इंसेंट्रिक, मतलब मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। तो वो नेगेटिव जो होते हैं वो इंसेंट्रिक रहते हैं। तो वहाँ पर हमें स्लो करना है, मसल को कंट्रोल करना है। तो अभी हम स्लो करके दिखाएंगे। ये फॉर्मेट रॉन्ग है जो फास्ट करते हैं। 1 2 स्लो, नीचे स्लो आना है। ये दोस्तों, ये सिर्फ 7 किलो का डंबल है और इसकी फट रही है करने को। सीरियसली, मैं सिर्फ राइट टेक्निक बताइए। दोस्तों, जिम में डंबल्स रहते हैं करने के लिए, अरे मैं 80 का भी मार सकता हूँ, 70 का भी मार सकता हूँ, लेकिन राइट फॉर्म में कौन मारता है जिसका उतना स्ट्रेंथ रहता है? दूसरों को देख के एक कहावत है, अपना गाल कभी लाल नहीं करना चाहिए। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अभी 7 किलो में इसकी पूरी बैंड बजी है करने को, राइट टेक्निक के साथ में। तो कंट्रोल ऑन योर नेगेटिव्स, दैट्स पॉइंट नंबर टू। नीचे आपको स्लो आना है, ऊपर खींचिए, अगेन नीचे कंट्रोल करिए। इसी में ही नहीं, हर एक वर्कआउट में, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, हर एक वर्कआउट में। दोस्तों, ये है सेमी मूवमेंट। लोग जो है सिर्फ यहाँ तक जो है ना हाफ मूवमेंट करते हैं, उनको लगता है उनका बाइसेप्स ग्रो होगा। जब दोस्तों पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा मसल, तो आपके मसल्स डेवलप कैसे होंगे? अगर आप पूरा खुराक ही नहीं खाओगे तो मसल्स कैसे बनेंगे आफ्टर वर्कआउट? तो दोस्तों, आपको रेंज जो है पूरा करना है, हाथ आगे रखना है और गो अप फुल रेंज। ये जो है आपका अपर चेस्ट जो है ना, ये मूवमेंट आपका अपर चेस्ट तक आएगा, तो आपके बाइसेप्स जो है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट हुए। और नीचे तो आपको जो है वो कंट्रोल करना है, जो नेगेटिव जो है वो नीचे स्लो ही आना है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको टेक्निक बताया वैसा मार के बताइए, और कमेंट भी करना है इसके ऊपर कि आपको कैसा लग रहा है। आपको लाइट भी हैवी लगेगा क्योंकि आप राइट फॉर्म में करोगे। सो ये था पॉइंट नंबर 3, अवॉइड सेमी मूवमेंट्स। तो दोस्तों, दिस इज़ द राइट टेक्निक। वेट जो ज़्यादा लिया था मैंने उसे निकाल दिया। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है आपको, जो है सिर्फ अपना वर्कआउट करना है जिसमें आपका बाइसेप्स 100% वर्क होए। अभी मूवमेंट देखिए इसका। और इसके पहले वाले में आप देख सकते हैं, इसमें जो इसका शोल्डर लिफ्ट हो रहा था, बैक पीछे की तरफ बेंड हो रहा था, क्योंकि वेट ज़्यादा था। तो बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं से हेल्प ले ही लेती है दूसरे मसल्स की। तो दोस्तों, आप जल्दी कमेंट करिए मोंटू की फिजिक देख के अच्छी है कि नहीं। और दोस्तों, इसे कहते हैं ईगो लिफ्टिंग, पॉइंट नंबर 4। भाई क्यों नहीं बनने वाली है? कितना हैवी मार ले, नहीं बनने वाली है, क्योंकि फॉर्म एंड टेक्निक ही रॉन्ग है। लोअर बैक हिल रहा है, शोल्डर हिल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जिम में जा रहे हो, आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको जो है प्रॉपर टेक्निक करनी है। तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मोंटू, वेट निकालो। दोस्तों, आधे लोगों को समझ में नहीं आया ना कि आप क्या गलत कर रहे हो। आपने जब स्टार्ट में देखा था, आपने क्या कुछ महसूस किया? बॉडी भी नहीं हिल रही थी, फॉर्म एंड टेक्निक भी सही था, सही खड़े। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें पता लग गया होगा, जो नहीं है मैं बताता हूँ।
दोस्तों उसकी कलाई जो थी ना अंदर की तरफ घूम रही थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं लास्ट में लेके आया ताकि आप हमारी वीडियो पूरी तरह देखें। सो कलाई जो है आपको अंदर की तरफ नहीं लेके जानी है। देखिए जैसे अगर आप कलाई अंदर की तरफ मारना, कलाई आप अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो आपके बाइसेप्स कम वर्क होएंगे, आपके रिस्ट ज़्यादा वर्क होएगा। हम बाइसेप वर्क कर रहे हैं, रिस्ट को आप न्यूट्रल रखिए, गो अप स्क्वीज एंड डाउन, हाथ आगे अप डाउन। तो दोस्तों आपको ये मूवमेंट फॉलो करना है, रिस्ट अंदर की तरफ नहीं करना है मारते समय, और जस्ट न्यूट्रल रखना है एंड कर्ल अप करना है। तो आपको बाइसेप्स वर्क करना है तो रिस्ट को आप न्यूट्रल रखिए, पूरा कर्ल अप करिए। तो दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक वॉल सपोर्ट बाइसेप्स जो है सबसे सेफ है, उसमें आपकी बॉडी तो बिल्कुल नहीं हिलेगी अगर दीवार ना टूट जाए तो। ये आपके लिए बोनस है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ये एक बोनस है, मतलब इसमें कोई रॉन्ग वर्कआउट नहीं बता रहे हम रॉन्ग और राइट क्या है, इसमें आपको राइट वर्कआउट ही दिखाऊंगा, अगर तभी दिखाऊंगा जब ये आदमी यहाँ से निकलेगा। एक सिंपल वर्कआउट है, इसको बोलते हैं वॉल सपोर्ट। इसमें आपकी बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, आपको शोल्डर इसमें बिल्कुल नहीं उठाने, सिर्फ एक सपोर्ट लेके आपको सिर्फ कर्ल मूवमेंट करनी है। ओके आ जाओ, वेट इसमें लाइट रखना है आपको, या पीछे गए आपने ट्राइसेप्स पीछे चिटका लिए, हिप ज़्यादा थोड़ा सा पीछे ले लो, अगर आप हिप को टच करोगे तो आप कर्ल करोगे तो बॉडी आगे आएगी, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब कम ऑन अप, 2 3 मैं कांच में मत मार देना, 4 5 6 10 मार के बताएंगे आपको, 7 8 9 10। और दोस्तों इसमें ऐसा है कि कभी कभी जब हमारे बाइसेप भर जाते हैं तो उसका मूवमेंट जो है ना वो पूरा ऊपर नहीं आ पाता, तो यहाँ तक भी आएगा ना तो भी आप सेटिस्फाइड हो क्योंकि आपकी बॉडी मूव नहीं हो रही है, आपको पम्प फील होगा। डेफिनेटली ये ट्राई करना और कमेंट भी करके बताना आप हमें। अंगार एकदम अंगार भाई, तू कैसे कुछ डालना मत। सो मोंटू के बाल भी अच्छे आगे उग गए यहाँ पर और बाइसेप भी बढ़ गए। तो दोस्तों वर्कआउट तो हमने इतना नहीं किया, सिर्फ आपको रॉन्ग और राइट बताया, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जो बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको इंजरी अगर आपको नहीं करनी अपने आप को। तो बाइसेप्स में ये 5 चीज़ें जो आप अवॉइड करिए, डेफिनेटली सही चीज़ को राइट टेक्निक से करिए, डेफिनेटली जो वॉल सपोर्ट जो बाइसेप्स जो है आप एक बार करके कमेंट जरूर करना, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। तो दोस्तों तब तक के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को आप फॉलो करिए, आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं वो आ रहा है मोंटू को और मुझे, हमारे जो है सोशल मीडिया पेज जो है अपना फिटनेस फाइटर्स ऑफिशियल फेसबुक पेज को आप लाइक करिए और फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना, बेल दबाना। टिल देन गाइस स्टे फिट स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।